अस्सलाम वालेकुम। तो अजीब सोच है कि एनवायरनमेंट को गंदा करके, एनवायरनमेंट को ख़राब करके हम भी सुकून की सांस ले सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी खुदगर्जी में हम ट्रीज को काट तो देते हैं अपने फर्नीचर बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, पर इससे जितना ये ट्रीज को नुकसान होता है ना, ट्रीज भी लिविंग थिंग्स है, उनको जितना दर्द होता है ना, हमको उससे ज़्यादा होने वाला। एनवायरनमेंट ख़राब होगा, सबसे ज़्यादा हमें दुश्वारी होगी, हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी। इसलिए ये छोटी सी कोशिश ही है। वीडियो को लाइक करना है तो कर दो, नहीं करना तो अभी आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा नहीं, जितने हम अफोर्ड कर सकते थे, जितने हमको मिल रहे थे, हमने वो ट्रीज प्लांट्स ले लिए हैं और यही हमें मिले हैं। तो आओ चलते हैं इनको लगाने के लिए। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ज़मीनों पर, ये आपको ट्रीज नज़र आ रहे होंगे, और इस सारी जगह में हमने ये ट्रीज लगाने हैं। इसकी खुदाई हमने पहले से कर रखी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, पानी कहाँ तक पहुँचा है, और ये आपको नज़र आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही एक ट्री को उठाया, इस पर ये बैठा है और हम इसको जा रहे हैं लगाने के लिए। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर दिया है और हमने एक तरफ लगा भी दिया है। अब हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं जैसे ये अच्छी तरह से ग्रोथ में हो। फ्रेंड्स, हमने एक लगा लिया है और ये मैं कुछ और लगाने के लिए जा रहा हूँ। अब इसमें से मैंने एक छोटा ट्री उठा लिया है, 5-6 बड़े मैंने उठा लिए हैं। अब हम जाते हैं इनको लगाने के लिए। मैं 2 ट्री लेकर आ चुका हूँ, अब हम इसको लगाने लगे हैं। वहाँ पे सफाई भी कर दी है हमने और इसके अंदर हम मिट्टी लेकर आए थे इसको लगाने के लिए, इसकी सफाई कर दी है। इस कटर से हम इसकी जो फेस होती है उसको काट देंगे, जैसे मिट्टी में जाकर अपनी फेस पक्की कर सके। इसको शार्पर के साथ नहीं लगाना होता, वरना ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। जिस ग्रोथ में ये नीचे बड़ा नहीं होगा। बेस हमने इसकी काट दिया, अब हम इसको लगाने लगे हैं। ये हमने मिट्टी भी डाल दी है अब इसके अंदर, और इसके बाद हम इसको एडजस्ट करके इसमें पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें लगाने लगे हैं छोटा ट्री जो मैंने आपको दिखाया था, वो हम अब इसमें लगाने लगे हैं। ये हमने इसमें जगह भी बना ली है इसको लगाने के लिए। अब हम इसमें मिट्टी डाल रहे हैं और इसको एडजस्ट करके इसमें भी पानी दे देंगे। फ्रेंड्स, जिस इलाके में हम ट्री लगा रहे थे उस इलाके में पानी बहुत दूर से आ रहा था। इसकी बदौलत हमें ऐसे पानी भरना पड़ा जिसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया। पानी भर के हमने इसमें एक में डाल दिया है, और मैं दूसरों का आपको नहीं दिखाऊंगा दूसरों में पानी डालता हुआ, क्योंकि ये वीडियो पहले ही लॉन्ग हो चुकी है और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं ये दिखाने भूल। और ये मैंने दूसरे को भी पानी दे दिया है, अब ये सबको पानी देता जा रहा हूँ, ये चेक करते जाना। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अभी 30-35 दरख्त लगा दिए हैं, सबको पानी भी दे दिया है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और जो मैं पानी की बात कर रहा था वो मैंने बाल्टी यहाँ से भरी थी पानी की, तो यहाँ से करीब पड़ रहा था हमें, तो हमने यहीं से पानी डालना बेहतर समझा। तो ये वीडियो चेक करते जाना।
ग्रोथ भी मैं आपको शेयर करता रहूँगा साथ ही साथ। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, कर दोगे ना, और दुआ में याद रखना, और मिलते हैं नई वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।